जय हिंद दोस्तों। फाइनली आप लोगों के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में सरकारी पक्की नौकरी आ चुकी है। दोस्तों आप पूरे भारत में किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, अगर आप लोग इस वैकेंसी में भाग लेना चाहते हैं तो आप लोग आसानी से हिस्सा ले सकते हैं, मगर उसके लिए कुछ शर्तें हैं जिनको आपको पूरा करना पड़ेगा। उसके लिए आज का वीडियो आप ये पूरा देख लीजिए, आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे और आप लोग बेफिक्र होकर इस वैकेंसी में अप्लीकेशन कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जो पदों की संख्या है 3306 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, मतलब काफी पद हैं, ठीक है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि एक कैंडिडेट एक से भी अधिक पद के लिए आवेदन कर सकता है, बशर्ते उसको हर एक पद के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए इस वीडियो में, सर लास्ट तक मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन दूंगा, हर चीज आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो चीजें आपको समझ भी नहीं आएंगी, फिर बाद में आप लोग परेशान होंगे, ठीक है। इससे अच्छा है कि वीडियो आप लोग पूरा देख लें, आपको पूरी जानकारी इसमें मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों कुल 3306 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ये ग्रुप सी और ग्रुप डी, मतलब समूह ग और समूह घ के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। यह वैकेंसी दोस्तों अभी बढ़ और घट भी सकती है, मतलब इसमें पदों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है, वो टोटल इन पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये पक्की गवर्नमेंट नौकरी है या कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस वगैरह में नौकरी नहीं है, ठीक है। जिसमें समूह ग के मतलब ग्रुप सी के पदों की अगर बात करें तो आशुलिपिक श्रेणी थ्री, मतलब आशुलिपिक ग्रेड थ्री के 583 पद हैं, कनिष्ठ सहायक के 1054 पद हैं, ये ठीक है। और इसके अलावा ड्राइवर के 30 पद हैं। अब समूह घ के हम लोग बात करते हैं, इसमें ट्यूबवेल ऑपरेटर, प्रोसेस सर्वर, अर्दली, चपरासी, लिफ्टमैन, फर्राश, चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली, ठीक है, इतने पद हैं, टोटल 1639, मतलब सभी पदों की बात करें 3306 पद हैं, ठीक है। ये दोस्तों जो वैकेंसी है इलाहाबाद हाई कोर्ट में निकाली गई है, ठीक है। तो इसमें जो उत्तर प्रदेश की निवासी है, आरक्षण का फायदा सिर्फ उत्तर प्रदेश की निवासियों को मिलेगा, जो अदर स्टेट कैंडिडेट इस वैकेंसी में अप्लाई करेंगे उनको जनरल में अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब उनको आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा, इस चीज को आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। अब बात आती है कि जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, एप्लीकेशन करना चाहते हैं, तो वो फॉर्म कैसे भरेंगे। तो दोस्तों इस वैकेंसी में आप लोग ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन कर सकते हैं, इसमें ऑफलाइन माध्यम से कोई भी फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। जो लोग इस वैकेंसी में एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो वो लोग www.allahabadhighcourt.in इस वेबसाइट पर जाकर इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी के लिए 4 अक्टूबर 2024 से ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है 28 अक्टूबर 2024, ठीक है। तो मतलब आप लोग 4 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर के बीच में इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों जो लोग इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल विजिट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पर मैं इसी वीडियो के साथ इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन डाल दूंगा, तो एक बार आप लोग नोटिफिकेशन देख लेना। वैसे तो मैंने नोटिफिकेशन की सारी चीजें यहाँ पर मेंशन कर दी है और सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया है, आपको कोई डाउट रह नहीं जाएगा, मगर फिर भी आपकी ड्यूटी बनती है, आपका कर्तव्य है कि आपको भी एक बार नोटिफिकेशन देखना चाहिए, तो आप लोग एक बार नोटिफिकेशन जरूर देख लेना, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम लोग इसमें बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो इसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट के जो कैंडिडेट इस वैकेंसी में अप्लाई करेंगे उनको 800 से लेके 950 रुपए परीक्षा शुल्क देना है। अब कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि 800 से 950 क्या हो गई, तो 800 रुपए इनकी परीक्षा शुल्क हो गई और 150 रुपए कोई इसमें अदर चार्जेस कोई करके जोड़ रहे हैं तो वो 950 करीब पहुंच रही है, ठीक है। एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप को 600 से लेके 750 रुपए से परीक्षा शुल्क देना है, ठीक है। और हर एक पद के लिए इसमें मतलब जो परीक्षा शुल्क है अलग अलग है, तो उसके लिए आप लोग इसका नोटिफिकेशन देख लेना, या फिर जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो उसको फीस वहां पे रिफ्लेक्ट कर देगा, तो आप उसके हिसाब से अपना पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों हम लोग एज की बात करें, इसमें 18 से 40 साल एज का क्राइटेरिया रखा गया है और इसमें आपकी एज की गणना 1 जुलाई 2024 तक की जाएगी, ठीक है। और बात करें रिलैक्सेशन की, तो एज पर यूपी गवर्नमेंट रूल ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल, एससीएसटी को 5 साल की अधिक छूट दी जाएगी, मतलब जो ओबीसी कैंडिडेट है वो 43 साल तक और एससीएसटी में 45 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सबसे लास्ट में आपका मेडिकल, देन ज्वाइनिंग, ठीक है। अब मैं थोड़ा आपको हर एक पद के अनुसार में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, एज का क्राइटेरिया और सैलरी वगैरह बता देता हूँ, ठीक है। जिसमें आशुलिपिक ग्रेड थ्री के लिए स्नातक प्लस ट्रिपल सी और हिंदी के 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश की 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग होनी चाहिए, ठीक है। इसमें जो एज का क्राइटेरिया 18 से 40 साल रखा गया है, इसमें आपका जो सैलरी रहेगा ये बेसिक पे, मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान रखना, ठीक है, ये ग्रॉस पे नहीं है, बेसिक पे इसमें 5200 से लेके 20200 रुपए रहेगी, इसमें लगभग वही 35 से 36 हजार आपका स्टार्टिंग पेमेंट बैठेगा जाके, ठीक है। अब कनिष्ठ सहायक की बात करते हैं, इसमें 12वीं पास होना चाहिए प्लस आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए, हिंदी के 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश के 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग होनी चाहिए।
18 से 40 साल इसमें एज का क्राइटेरिया रखा गया है, इसमें 5200 से लेके 20200 इसकी भी बेसिक पे सेम है, ठीक है। ड्राइवर के लिए इसमें 10th पास होना चाहिए प्लस आपके पास फोर व्हीलर का लाइसेंस होना चाहिए, इसके साथ साथ आपको पास 3 साल का गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। 18 से 40 साल इसमें एज का क्राइटेरिया रखा गया है, इसका भी ग्रेड पे मतलब बेसिक जो है 5200 से लेके 20200 रुपए इसमें आपकी सैलरी रहेगी। तो ये तीन तो हो गए समूह गा के, ठीक है, इनमें आपकी सैलरी सेम है। अब आप बात आती समूह गा के, इसमें ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए कैंडिडेट 8वीं पास हो प्लस आपके पास आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए, ठीक है। 18 से 40 साल इसमें एज का क्राइटेरिया मांगा है, बेसिक इसकी भी बेसिक पे 5200 से लेके 20200 है, मतलब इसमें सैलरी सभी पदों में सेम है बट वही काम का और एजुकेशन क्वालिफिकेशन का आपका फर्क रहेगा, ठीक है। प्रोसेस सर्वर, अर्दली, चपरासी, फर्राश, चौकीदार, कुली, वाटरमैन, माली, बेस्ती, लिफ्टमैन, इसमें कक्षा 8 पास हो कैंडिडेट, इसमें भी आपको 5200 से लेके 20200 रुपए सैलरी मिलेगी। इसमें एक पद है स्वीपर कम फर्राश, ठीक है, ये 6वीं पास होना चाहिए, 18 से 40 साल इस मेज का क्राइटेरिया रखा गया है और इसमें आपका 6000 रुपए फिक्स वेतन रहेगा, मतलब सर ये वाली पोस्ट टेम्परेरी बेस पे है, ठीक है, इसका क्योंकि इसमें वेतन 6000 रुपए दिया है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो भर्ती निकाली गई है समूह गा एवं समूह घा की 3306 पदों के लिए, ठीक है। आप लोग इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहीं से इस वैकेंसी का आप लोग नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट यूपी में आता है तो इसमें आरक्षण का फायदा सिर्फ और सिर्फ यूपी के कैंडिडेट को ही मिलेगा, अदर स्टेट कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे उनको जनरल कैटेगरी में फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी जानकारी के साथ खत्म करते हैं आज इस वीडियो को, आशा करता हूँ आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी जो कि इस भर्ती से रिलेट करती है, फिर जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों इसी जानकारी के साथ खत्म करते हैं आज इस वीडियो को, जल्दी मिलूंगा मैं आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।